12 सितंबर की मॉर्निंग को बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद से एक नवजात शिशु जो उसी दिन पैदा हुआ था उसको अपहृत करने का या चुराने के संबंध में एक शिकायत अनीता देवी, अनीता नाम की एक महिला थी जिन्होंने शिकायत दी थी, जिनका बच्चा था जिसे दो अज्ञात महिलाओं के द्वारा किडनैप कर लिया गया था। उसी संदर्भ में FIR SGM नगर पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी और जो माननीय हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद साहब श्री राकेश आर्य जी, उनकी डायरेक्शंस पे क्राइम ब्रांच की कुछ टीम्स जो थी जिन्हें कार्य करने के लिए दिया गया था। जो क्राइम ब्रांच बड़कल की टीम है, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र जिसके इंचार्ज हैं, उस टीम ने इस बच्चे को 12 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से बरामद भी किया और जो वहाँ पे इस मामले में जो दो महिलाएं थी जिन्होंने इस बच्चे को अपहृत किया था तथा एक अन्य युवक दीपक जिसका नाम था जिसके पास से दिल्ली से बच्चा बरामद हुआ है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था, दोनों महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी जो है हॉस्पिटल से इतने भीड़ भाड़ से बच्चा चोरी गया, क्या उनका क्या मकसद था और इसके पीछे क्या वो थी? ये दोनों महिलाएं 11 सितंबर की रात को ही हॉस्पिटल में आ गई थी और इन्होंने वहाँ पे पूरा वक्त बिताया है और जो वार्ड था जहाँ पे महिला एडमिट थी जिसके बच्चे को इन्होंने चुराया वहाँ पे इन्होंने समय बिताया तथा वहाँ पे उनके साथ दोस्ती के संबंध बनाने की पहले कोशिश की, थोड़ा उनके साथ कंफर्टेबल हुए और सुबह फिर मौका देख करके वहाँ से इस बच्चे को लेकर के फरार हो गए। क्या इससे पहले भी इन्होंने किसी वारदात को अंजाम दिया है? अभी आज इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और रिमांड के दौरान फर्दर इनके जो केसेस अगर कोई पीछे के रहे थे तो उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी इस बच्चे को इनका आगे 1.5 लाख रुपए में बेचने का प्लान था, जो एक अन्य महिला है जिसको इन्होंने देना था उसकी भी गिरफ्तारी हम करेंगे। क्या हॉस्पिटल में किसी की मिलीभगत की भी क्या कोई आशा लगते हैं? अभी तक मिलीभगत का कोई पहलू सामने नहीं आया है, लेकिन इस पहलू पे भी हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं, अगर किसी की संलिप्तता मिलेगी तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग अभी तक जो दो महिलाएं बच्चे को लेकर के गई थी चुरा करके वो गिरफ्तार हुई हैं, एक अन्य साथी दीपक जो है जहाँ जिसके पास से बच्चा बरामद हुआ है उसे गिरफ्तार किया गया है, एक अन्य युवक है जिसका नाम देव है वो भी इस मैटर के अंदर शामिल है जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी तथा जो महिला है जिससे ये 1.5 लाख रुपये में बच्चा आगे देना था उसकी गिरफ्तारी हुई। क्या महिला जी गिरफ्तारी कहाँ से की? जो दोनों महिलाएं हैं इनकी गिरफ्तारी आज सुबह बदरपुर बॉर्डर से की गई है तथा जो युवक है दीपक उसकी रोहिणी सुल्तानपुरी से गिरफ्तारी की गई है। जो युवक है जिसके पास से बच्चा बरामद हुआ दीपक वो 28 साल का है और दोनों महिलाएं अनीता जिसमें से एक का नाम है वो 30 साल की है तथा दूसरी जो युवती है पूजा वो 32 साल की है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करे? अभी इनको कोर्ट में पेश करके माननीय न्यायालय से इनका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा तथा उसके दौरान रिमांड के दौरान जो इनका जो बैक जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है प्रीवियस उसको उसके बारे में पूछताछ की जाएगी तथा अगर पीछे भी इन्होंने इस तरीके किसी कोई किडनैपिंग या फिर इस तरीके के मामले में अगर इन्वॉल्व रहे हैं तो उस बारे में क्या लगता है कि और भी इसमें आरोपी होंगे? हाँ नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी जैसे मैंने बताया आपको दो वारदात को अंजाम देने वालों के अलावा तीन लोगों की अन्य की भूमिका अभी तक आ चुकी है जिनमें से एक को हमने गिरफ्तार किया है और दो देव और एक और महिला है जिसने बच्चे को आगे लेना था उसकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है। अगर आगे भी अन्य लोग सामने आएंगे तो उनको गिरफ्तार। अनीता जो महिला है वो भुआपुर तिगांव की रहने वाली है, फिलहाल वो दिल्ली रोहिणी में ही रह रही थी दीपक के साथ। दीपक पीछे से बागपत यूपी का रहने वाला है तथा जो पूजा है वो शीतला माता मंदिर और दिल्ली की रहने वाली है। जब ये किडनैप बच्चे को ले गए थे उसके साथ ये सिग्नली महिला थी या कुछ और भी? अनीता और पूजा दोनों महिलाएं साथ थी, दोनों ने साथ इस बच्चे को यहाँ से किडनैप किया। देव की क्या भूमिका है इस मामले में? देव इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी में इनके साथ था और इस पूरी घटना के दौरान उनके साथ फ़ोन पे जुड़ा हुआ था और वही इनको फर्दर गाइड कर रहा था।